10 से 13 जनवरी 2022 तक बांग्लादेश ढाका के शहीद सुरवार्दे नेशनल इंडोर स्टेडियम में चल रहे एशियन सवात फ्रेंच बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2022 में भारत को मिले कुल 6 पदक। जीते हुए 6 पदक में से बिहार के बॉक्सरों ने कुल 4 पदक जीते हैं। पहली बार है कि टीम इंडिया एशियन चैंपियनशिप में इतने पदक जीते हैं। इसकी जीत की खुशी से इंडियन सवात में खुशी का माहौल बना हुआ है। साथ ही रॉस वर्ल्ड क्लब मुजफ्फरपुर के खिलाड़ी भी काफ़ी उत्साहित हैं और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बधाई व शुभकामनाएं दे रहे हैं। इसके साथ ही सभी विजेता खिलाड़ियों को वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए चयन भी किया गया। राहुल कुमार पुरुष ओपन 70 किलोग्राम ब्रॉन्ज मेडल, उपासना आनंद महिला ओपन 48 किलोग्राम ब्रॉन्ज मेडल, निर्मल राज पुरुष ओपन 56 किलोग्राम सिल्वर मेडल, रोहित कुमार प्रजापति बालक अंडर 17 60 किलोग्राम सिल्वर मेडल। मेडल विजेता सभी खिलाड़ियों को राष्ट्रीय संवाद संघ के संस्थापक सुखविंदर सिंह, राष्ट्रीय सचिव परमजीत कौर व राज्य संवाद संघ बिहार के अध्यक्ष चंद्रमोहन प्रसाद सिंह, शिल्पी सोनम, सुनील कुमार, रंजीत प्रसाद, ममता गुप्ता, बबली सिंह समेत सभी पदाधिकारियों के द्वारा फोन पर सभी खिलाड़ियों को बधाई व शुभकामनाएं दिए गए। मेडल जीती हैं, कैसा महसूस हो रहा है? बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है, बहुत खुशी हो रहा है मेडल जीत के। नेक्स्ट क्या थे, आगे क्या तैयारी है? इसके आगे अभी तो ब्रॉन्ज आया, लेकिन इसके आगे गोल्ड के लिए और मेहनत करना और नेक्स्ट गोल्ड देना है। किसको थैंक यू कहना चाहेंगे? अपने कोचेस को, सवात इंडिया को और आप। निर्मल राज बताइए, कैसा महसूस हो रहा है आपको? बहुत ही अच्छा और बहुत ही खुशी महसूस हो रहा है। क्या कहना चाहेंगे? आप सिल्वर मेडलिस्ट हुए हैं एशियन सवा चैंपियनशिप में, आप हिस्ट्री लिख रहे हैं, बताइए। बहुत खुशी हो रहा है, मैं सवात एशियन ऑफ बिहार, सवात एशियन ऑफ इंडिया और आपको कोचेस सबको बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहता हूं। आगे खिलाड़ियों क्या मैसेज देंगे जूनियर्स को? सब्र रखें, किसी चीज़ में घबराए नहीं और मेहनत करें और एंड टाइम में भी गेम बदल सकता है या और आगे फेडरेशन कप भी है और एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत ही ज़्यादा, और आगे फेडरेशन कप के लिए गोल। थैंक यू। रोहित प्रजापति बताइए, कैसा महसूस हो रहा है आपको? बहुत ही अच्छा हो रहा है। क्या जूनियर्स को कुछ मैसेज देंगे? जूनियर्स को यही मैसेज देना चाहते हैं कि वो भी आए खेले और इंडिया के लिए गोल्ड लाए। इंडिया के लिए आप एक इतिहास रचे हैं, मुजफ्फरपुर से आप आते हैं और छोटे से क्लब में प्रैक्टिस किए हैं, साधारण कभी बहुत सारा खेलने का मौका नहीं मिला, एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत ही शानदार एक्सपीरियंस। अगला क्या टारगेट है? वर्ल्ड चैंपियनशिप में। ये गोल्ड कब में बदलेगा? गोल्ड कब बदलेगा ये? गोल्ड वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड पक्का। थैंक यू। अब बताइए सर, आपको इतना दिन बाद, इतना सालों बाद खेल के कैसा लग रहा है? देखो, हमें तो इतना साल बाद, हम खुद 8 साल बाद हम रिंग में उतरे हैं एक्चुअल में, और ये सब हमारे जो है फाउंडर सवाते सब इंडिया का फाउंडर जो है सुखविंदर सर की वजह से, उन्होंने थोड़ा सा बूस्टअप किया था और शिल्पी मैम, बबली मैम लोग भी काफ़ी अप्रिशिएट करती थी, सूरज वगैरह भी, ये लोग भी सपोर्ट करता था, गुंजन स्पेशली ट्रेनिंग के लिए आती कि सर आप खेलो, है ना। तो 8 साल बाद उतरे हैं, लेकिन कोई नहीं, इस बार बहुत ही अच्छा रहा, एक अच्छा एक्सपीरियंस हुआ कि हाँ भाई अब खेल सकते हैं और फिर आगे भी खेलना है, अगर अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलेगा तो आगे भी खेलते रहेंगे, बने रहेंगे खेल में। खेल में पता चला खुद को जिंदा रखना ये बड़ा डिफिकल्ट होता है, और आज लगा कि हाँ यार मैं खेल सकता हूँ, जब वहाँ पे विक्ट्री बॉक्स पे चढ़े तो एक अलग ही